नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ले इंडिया पे। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में आने वाली नई भर्तियों के बारे में, जिनकी कि मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। यहाँ पे आपके पोस्टों की बात करें तो इनमें आपके कनिष्ठ सहायक का पद है, आशुलिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, जयन, लेखाकार, चिकित्सक सहित आपके इसमें टोटल 8,000 से भी अधिक पद है। इसमें जो विभाग है वो पुलिस विभाग के अंदर भर्तियाँ हैं, पशुपालन विभाग के अंदर, उद्योग विभाग के अंदर, साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालय के अंदर भी है, वो अपन आगे वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं उद्योग विभाग की, जिनमें रिक्को के अंदर आपके कुल 238 पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही स्टार्ट की जाएगी, जिसकी की जानकारी उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी ने दी है। इनमें किन किन पोस्टों पर कितनी कितनी पद है तो वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रिक्को के अंदर उप महाप्रबंधक IT और टेक के अंदर 8 पोस्ट हैं, उप प्रबंधक HRD GAD इंफ्रा के अंदर 2 पद है, प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के 2 पोस्ट हैं, सहायक स्थल अभियंता सिविल के लिए जो आपके 43 है, इसके अंदर आपके डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता आपके रहेगी, सहायक लेखाधिकारी के सेकंड ग्रेड के जो है 23 पद होंगे, कनिष्ठ विधि अधिकारी के 12 पद होंगे, कनिष्ठ अभियंता के 3, कंप्यूटर ऑपरेटर कम सीनियर असिस्टेंट के 2 है, इसके अंदर आपकी 12th पास आपकी योग्यता हो सकती है, साथ ही साथ आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपके स्टेनोग्राफर के 9 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर में आपको 12th पास और साढ़े सात 110 का ज्ञान होना चाहिए, ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर के 13 पद है, कनिष्ठ सहायक के 74 है। तो कनिष्ठ सहायक की योग्यता के लिए 12th पास हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में जो है डिग्री भी हो सकती है और साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी होना अनिवार्य है। वाहन चालक प्रथम के 9 पद है, अधीनस्थ सहायक के 38 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, तो इन सभी पदों की जल्द से भर्ती की जाएगी और जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके यहाँ पे वीडियो बना के भी बता दूंगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चिकित्सा से लेकर पुलिस विभाग तक कुल 4 विभागों में 7,624 भर्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिनमें कि स्वास्थ्य मिशन के तहत सर्वाधिक 6,310 भर्तियाँ की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको मेडिकल विभाग, पशुपालन और पुलिस विभाग में कुल 7,624 पदों पर नियुक्तियों को प्रस्ताव दे दिया गया है, जिनमें सर्वाधिक आपके स्वास्थ्य मिशन के तहत CHO के 6,310 पद हैं, नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में 400 तथा उपखंड कार्यालयों में 588 नए पद सृजित किए गए हैं, पुलिस विभाग के अंदर चतुर्थ श्रेणी के 326 रिक्त पद जो है उनको भरे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देख लेते हैं पुलिस विभाग के 326 पदों के लिए किस पोस्ट पर कितने पद है। तो कुल आपके 326 हैं, जिनमें कि आपके कुक के 72 है, स्वीपर के 58 है, धोबी के 51 है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 31 है, जलधारी जलवाहक के 30 है, नाई के 26 है, दर्जी एवं सईस के 10-10 पोस्ट है, मोची के 8, खाती के 7, कैनल बॉय के 6, फिटर के 2 तथा बागवान एवं फर्रास का 1-1 पद शामिल है। इनकी योग्यता की बात करें तो आपके 8th और 10th पास इसमें हो सकता है। नीचे अपन बात करते हैं पशुपालन में, जिनमें 400 नए पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2020-21 में खोले जाने वाले 200 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में आपके यहाँ पे 200 पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे, जिनमें 200 पशुधन सहायक होंगे और 200 जलधारी के, यानी कुल 400 पदों का सृजन की मंजूरी दी गई है। और दोस्तों इसी के साथ उपखंड जो कार्यालय होंगे यहाँ पे जो 200 पदों होंगे उनमें जो उपखंड के अंदर कार्यालय होंगे उनमें 1-1 आपके IA मतलब सूचना सहायक और 1-1 आपके कनिष्ठ सहायक मतलब LDC भी होगा, उसकी न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया बड़ा फैसला, आपके जो उपकेंद्र है 400 नए सर्जित किए जाएंगे और देखिए यहाँ पे प्रत्येक उपखंड कार्यालय को 1 सूचना सहायक और 1 कनिष्ठ सहायक मिलेगा। तो जितने भी उपखंड कार्यालय बनेंगे उनमें 1-1 तो सूचना सहायक मतलब IG की पोस्ट क्रिएट होगी और 1-1 LDC की पोस्ट होगी प्रत्येक उपखंड कार्यालय पर। साथ ही यहाँ पर यह अपन देख लिया था पुलिस विभाग के चतुर्थ श्रेणी के 326 पदों पर भर्ती। नेक्स्ट आपके आयुर्वेद चिकित्सकों के 450 रिक्त पदों पर भी भर्ती की जाएगी, जिसकी कि राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे देखिए, जयपुर के अंदर जो अपन रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री है, आयुर्वेद चिकित्सकों के 450 रिक्त पदों का जल्द होगी भर्ती। और दोस्तों आपके यहाँ पे 83 पद मतलब 83 जो रिक्त पद है उनको भी मंजूरी दे दी गई है, जो कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर है। आपके यहाँ पे 65 तो टीचिंग पोस्ट है और 15 नॉन टीचिंग और साथ ही साथ 3 इसमें डेप्यूटेशन के पद भी शामिल किए गए हैं। और यह अपन ने देख ही लिया था जो कि स्वास्थ्य मिशन के अंदर CHO के 6,300 पद है, पूर्व में स्वीकृत 2,310 पदों पर होगी भर्ती और 4,000 नए पदों के लिए अनुमोदन भी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, संविदा के आधार पर की जाएगी ये भर्ती, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे, संविदा कर्मचारियों को NHM
के PIP के प्रावधानों के तहत मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि भी देय होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है किसी पोस्ट को लेकर तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और जैसे ही इन भर्तियों के आगे कुछ अपडेट आते हैं तो भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के बता दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।